मिस्टर विराट प्रसाद, माँ बाप का एक लौता बेटा, टाइम का पंक्चुअल, हमेशा हर चीज में फर्स्ट, और आज जान गंवाने के लिए भी फर्स्ट ही आओगे। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तुम जैसे बड़े बिजनेसमैन लोगों को मैं एक अच्छा बिल्डर समझता था, लेकिन आज देखने के बाद पता चला तुम्हारा बॉस एक सर्कस कंपनी का ओनर है। ए! अपने आप को माफिया डॉन समझकर लगता है ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। तुम्हारे जिस्म में खून तो है नहीं, लेकिन सारी हड्डी पसली जरूर तोड़ूंगा। डॉक्टर खुद समझ नहीं पाएगा कि क्या किया जाए, सोच लेना। अबे! What is this, sir? Rewind and play. Thank you. Jude, we are very happy about your project. Check the papers before you signing, okay? Thank you. Excuse me, gentlemen. I'll be back. वो प्रोजेक्ट मुझे हर हाल में मिलना चाहिए। उस पर साइन ना करना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इस वक्त टाइम क्या है? जब सामने मौत का फरिश्ता बैठा हो, तब मरने वाला घबराहट के मारे अपने साये से ही सवाल करता है। ऐसे में तुम उससे टाइम पूछ रहा है? शार्प 9 o'clock। इस वक्त यहाँ 11 बज रहे हैं। तेरे वक्त से पूरे 2 घंटे आगे हूँ। टाइम, प्रोजेक्ट, दोनों में। तो फिर एक बात समझ ले कि तू जिस पर साइन कर रहा है वो तेरी मौत का फरमान है। जाना जरूरी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। हाँ, तुम्हारी बहन भी यही कह के गई थी। लौट कर आई तो पेट में बच्चा लेकर आई। इस बच्चे का कौन सहारा है? कल पूछेगी मेरा बाप कौन है तो क्या जवाब दूंगा लोगों से? मेरा दामाद दुबई में है ये बोल करके अपनी इज्जत बचा रहा हूँ, पता है तुम्हें? तो दुनिया वालों को आप सच्चाई क्यों नहीं बता देते, झूठ क्यों बोलते हैं? इज्जत गंवाने वाली सच से बेहतर है वो झूठ जिससे इज्जत बची रहती है।
इसीलिए अभी तक इज्जत बची हुई है। मैं नहीं चाहता कि दोबारा वैसी घटना इस घर में घटे, समझ गई ना मेरी बात? तुझे ये काम धाम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए कोई योग्य लड़का ढूंढता हूँ, घर बसा ले। लेकिन पति वही है जो हमें समझ सके, किसी अनजान को अपने गले में बांधकर मुसीबत झेलना बेवकूफी है। आज तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उसकी वजह ये बेवकूफ खुद है। माँ हाँ, आप इन्हें समझाओ ना माँ, मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ माँ, आप समझने की कोशिश करो। सच कह रही हूँ, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। एजी, आप इस तरह से क्यों सोच रहे हैं? इसके भी अपने कुछ सपने हैं। प्लीज पापा, मैं आपकी इज्जत का पूरा ख्याल रखूंगी पापा। कीर्ति, गुड, बट वन थिंग, मिस कीर्ति, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ये ड्रेस, ये सादगी यहाँ नहीं चलेगी। So you better change your style and smile. Sure, sir. Hi, Kirti. You're looking gorgeous. Hi, everybody. Hello, ma'am. Please sit down. Thanks. Thank you, ma'am. Okay. इन्वेस्टर्स मीट कैसा रहा? एक्सीलेंट मैम, एग्रीमेंट साइन हो गया। दिस इज अ 10,600 क्रोर्स प्रोजेक्ट, 4 प्लांट्स। एक प्लांट के अंदर 3 शिफ्ट में 1,000 लोग काम करेंगे, स्पेशली फॉर रूरल पीपल। ओनली थिंग इज, हमें गवर्नमेंट से लैंड अलॉट करवाना होगा। वी नीड एटलीस्ट अराउंड 4,860 एकर्स, वो हमें कैबिनेट से अप्रूव करवाना होगा। ओके फाइन, एक सवाल, इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट क्यों मंजूर करेगा? गुड क्वेश्चन। आज जो पावर प्रॉब्लम चल रहा है, इससे गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बगल की स्टेट की पॉलिटिक्स की वजह से और सेंट्रल में ऑपोजिशन की वजह से हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिल रही। ऐसे वक्त में हमारी गवर्नमेंट अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी, पावर के मामले में हमारी स्टेट सबसे पावरफुल बनेगी। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू मैम। इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ही नहीं, कोई भी ना नहीं करेगा। मैं सिंह हूं और हमेशा सिंह रहूंगा। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए उसने फॉरेन इन्वेस्टर्स को रेडी किया होगा, लेकिन यहाँ के सारे महारथियों को मैं खरीद कर रहूंगा। सर, ये काम इतना आसान भी नहीं है, मैडम स्ट्रिक्ट है। यहाँ हर कोई स्ट्रिक्ट है और हर किसी के अपने उसूल हैं। शतरंज में सबसे खतरनाक किसकी चाल होती है, क्या तुम्हें पता है? वजीर की चाल, और ये सिंह इस खेल का वजीर है। ये साबित करने के लिए सिर्फ एक अपॉइंटमेंट चाहिए, वो भी 2 मिनट का। सर, 2 मिनट में क्या हो पाएगा? नेशनल एंथम सिर्फ 52 सेकंड का है, लेकिन उसकी पावर। मुझे सिर्फ 2 मिनट का अपॉइंटमेंट दिलाओ, देन आई विल शो यू द सिंग्स पावर। वो कौन है ये जानने के लिए हाफ एन आवर लग जाएगा, और वो कहते हैं कि 2 मिनट की बात है। मैंने भी उनसे यही कहा मैडम। ठीक है, नेक्स्ट। मैडम, महिला संस्था वालों की आपने जो हेल्प की थी, उसके बदले उन्होंने आपका अभिनंदन करने का एक प्रोग्राम रखा है। आपको पता है कि ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उनसे कह दो मैं बहुत बिजी हूँ, प्रोग्राम कैंसिल करें। लेकिन मैम, ये तो सच है ना कि मैं बिजी हूँ, झूठ तो नहीं बोल रही? यस मैम। तो फिर सच ही बता दीजिए। मैडम, वो सिंह, वो भी बाकी है। ठीक है, मुझे गाड़ी तक पहुंचने में 2 मिनट लगेंगे। ओके ओके मैडम। आई एम सिंह, सुरेंद्र सिंह, बेसिकली बिजनेसमैन, SS ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन। हमारे फोर फादर्स के जमाने से ही हम देश की सेवा करते हैं। नमस्ते मैडम। आपके हस्बैंड और मैं बहुत क्लोज थे। 1.5 मिनट हो चुके हैं। आपके हस्बैंड ने हमें चुपके से 100 करोड़ रुपीज दिए थे, सब ब्लैक मनी थी।
अब वो नहीं रहे, उसके बारे में क्या करना है आपको सोचना है। अब 2 मिनट्स हो गए, कैरी ऑन प्लीज। रात को डिनर पे बात करते हैं। थैंक यू मैडम। क्यों जी, बेटा इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, आपको काम करने की क्या जरूरत है? मैं किसी के टुकड़ों पे नहीं पलना चाहता हूँ। आपकी किस्मत ही खराब है, भैंस के आगे बीन क्या बजाना। मैं ही पागल हूँ जो आपको समझाती हूँ। काम कर। अब इन्हें देखिए, उम्र काफी हो गई है फिर भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत खुददार इंसान है। अब बेटा पीने के लिए पैसे नहीं देता, इसीलिए खुद ही मेहनत करके 4 पैसा कमा कर पीने का इंतजाम कर लेते हैं। कमला जल्दी आना, लेट मत होना, लड़के वाले आज तुम्हें देखने आ रहे हैं ना। पहले उनसे कह देना दान दहेज में उन्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए पहले ही बताया था, मैं जिस लड़के को चाहती हूँ उसी से शादी करूंगी। क्या कहा? मेरी मान मर्यादा को तू बीच सड़क पर नीलाम करेगी क्या? अरे वहाँ क्या देख रहे हो, जिसे वो चाहती है उसके साथ भागने दो उसे। उससे क्यों बोल रहे हो? आहिस्ता बोलो। मैं किसी से डरती हूँ? तो अपने माँ बाप से नहीं डरी तो मुझसे क्या डरेगी? बड़ी की शादी करवाने वाले तुम हो, उसकी शादी के लिए दहेज देने वाले भी तुम हो, अब छोटे का सारा खर्चा भी तुम ही उठाओगे क्या? बकवास बनकर कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? दीदी सुनो, तुम उसकी बात सुनकर अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हो? तुम्हारा भाई अभी जिंदा है ना? मैं उसके लिए नहीं रो रही। क्योंकि तुम्हारे बच्चों को खिलौने या कपड़े चाहिए। कल तुम्हारे जीजा जी का बर्थडे है, जब से शादी हुई है तब से मैं हर साल उन्हें गिफ्ट देती आई हूँ, लेकिन इस साल ना ही वो आ रहे हैं और ना ही मेरे पास पैसे हैं, इसलिए रो रही हूँ। ये लो रखो, ये लो ये भी रखो, मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगा, तुम ही आती रहना, ठीक है ना? ठीक है, चलती हूँ। वेरी गुड, औरतों को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, दुख हो या सुख हो हर हाल में पति के साथ होना चाहिए। जानती हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। क्यों? शाम को आएगा तब बताऊंगी तुझे। ब्लैक मनी से तो आपको ही फायदा होगा ना? मेहनत से कमाया हुआ पैसा हमें छोड़कर नहीं जाता, और बिना मेहनत का पैसा कभी टिकता नहीं। मैंने सुना था कि सिंह बहुत ही ईमानदार शख्स हैं। यू प्रूव्ड इट। थैंक्स मैडम। आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो बताइएगा, हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कभी नहीं होगी मैडम। आई हैव ए प्रोजेक्ट एंड दिस इज माय प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके। यस, इट्स गुड। थैंक यू। समझिए आपका काम हो गया। थैंक यू मैडम। तो अब मैं चलता हूँ। आई विल सेंड यू अमाउंट। मान गया आपको, लेकिन 100 करोड़ बहुत होते हैं। हेलो, इट्स 10,600 करोड़ प्रोजेक्ट, परसेंटेज ही बनता है 300 to 400 करोड़, और अभी सिर्फ 100 करोड़ में ही मेरा काम हो गया। सिर्फ छोटी सी मुलाकात में सीएम मेरे मुट्ठी में, और आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे इजिली सैंक्शनड होंगे। How's that? Good. Good evening, everybody. मेरी बातों से ज्यादा काम कीमती है, फिर भी दो बात कहूंगा। एक कंपनी को सक्सेस करने के लिए सिंसियर एफर्ट की जरूरत है, और उसी सक्सेस को आगे बढ़ाने के लिए उससे हासिल होने वाला टैलेंट ही अहम है, और वो काम हमारी कंपनी कर रही है, इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ के टैलेंटेड पर्सन्स को मैं यूज करूंगा। विथ योर परमिशन सर। श्योर सर। थैंक यू एवरीबॉडी। सर, आज के यूथ के लिए आप एक रोल मॉडल हैं, सो विल यू प्लीज गाइड अस ऑल। कामयाबी मिलती है भाग दौड़ से, और भाग दौड़ करने के लिए अवसर की जरूरत है, इसलिए हर अवसर का सही इस्तेमाल करो। दूसरों पर जीत हासिल करने से पहले खुद पर जीत हासिल करनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस आर 2 विंग्स ऑफ लाइफ। आई विश यू ऑल फ्लाई हाई विद दोज विंग्स। ऑल द बेस्ट।
तू ऐसे क्यों देख रही है उसे? What a great personality. उतना ही नहीं यार, जानती हो उसकी कितनी प्रॉपर्टी है? More than 6,000 crores. उनकी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट 16 कंट्रीज में है. अपने माता पिता का इकलौता है और वो बैचलर भी है. ऐसे ही लड़के को मैं ढूंढ रही थी. हाय सर, आई एम कीर्ति. हाय. मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ. ऑटोग्राफ? यस सर, शी इज वेरी प्रॉमिसिंग एंड टैलेंटेड. सो स्मार्ट. इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे मेरा मिस्टर विराट प्रसाद, वन मिनट प्लीज. एक्सक्यूज मी. हेलो. अरे तू किस सोच में डूब गई? किसे चाहिए यार ये टेंशन वाली लाइफ? ऐसे शख्स को लाइफ पार्टनर बना लो तो पूरी लाइफ आराम से कटेगी. नहीं यार, जिसे किसी लड़के से प्यार हो गया हो उसका मन कहाँ लगेगा. तूने उसे अपने दिल में बसा लिया, लेकिन पता नहीं उसके दिल में कौन है. फिक्र मत कीजिए, गुरुवार को मेरा बेटा आपको पैसे दे देगा. अगर इसके अलावा और कोई मदद चाहिए तो कह दीजिए. बेटी, मुझे जब भी कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगा, झिझकूंगा नहीं. हम चलते हैं. ओह स्फूर्ति, आ जाओ बेटा, आओ. शाबाश शाबाश, खुश रहो. इस बच्ची का नाम स्फूर्ति है, इसे बच्चों से बहुत प्यार है. बेटी, इनका नाम है विराट प्रसाद. और ये इनकी माँ है. हमारे देश के बड़े दौलतमंदों में से एक हैं ये लोग. नहीं, ये बहुत छोटी बात है. पैसों से सिर्फ अमीरी मिलती है, लेकिन इंसान के अच्छे गुणों से इज्जत मिलती है. बेटी, तुम्हारे अंदर वो दोनों गुण हैं. बेटी, ये हमारे आश्रम को मौकों मौकों पर अच्छी खासी रकम देते रहते हैं. वाओ, दैट्स ग्रेट. आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो इसीलिए हर साल एक अनाथ आश्रम और एक स्कूल को गोद लेकर उसे डेवलप करना ही हमारी चाहत. लीजिए. एंड दिस इज फ्रॉम माय साइड. कुछ स्पेशल है क्या? मेरा भी बर्थडे है. अरे बेटी, मैं तो भूल ही गया था, मुझे माफ कर देना. जन्मदिन बहुत मुबारक हो. Many many happy returns of the day. Thank you. Many more happy returns of the day. Thank you. वो क्या है? Books हैं, छोटे बच्चों के पढ़ने के लिए fairy tales हैं. पैसे देकर इन बच्चों को भिखारी बनाने से तो अच्छा है कि किताबें देकर इन बच्चों को स्वाभिमानी बनाया जाए, यही मेरी सोच है. Nice. Once more हो जाए. पैसे देकर इन बच्चों को भिखारी बनाने से तो अच्छा है कि किताबें देकर इन्हें स्वाभिमानी बनाया जाए, यही मेरी सोच है. Really you are great. मम्मी, इनके आगे हम कुछ भी कर लें, सब कुछ वेस्ट है. नो, आई एम सॉरी, मेरा मतलब आप लोगों को हट करना नहीं था. तुमने कुछ गलत नहीं कहा. खैर, यहाँ आते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा. कुछ लोग तो सिर्फ हमें दिलासा देने के लिए हमारी तारीफ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सब कुछ समझ में आता है. हम सबके जीवन में कोई ना कोई मकसद है, लेकिन इन बच्चों के जीवन में कोई मकसद नहीं है. आई फील. नो नो, आई लाइक योर थॉट. मम्मी, शाम को इस बारे में डिस्कस करेंगे. ओके. आप इसे बच्चों में बांट दीजिए. जी सर. गुरुवार को मिलता हूँ. जी. हाँ. स्फूर्ति, आई लाइक यू. Sorry. Can I help you? Of course. But आप देखो, ladies एक ball की तरह होती है, cricket ball. उस ball को catch करने वाला hand होता है gents. और ऐसी opportunity मिली है, इस hand को miss नहीं करना चाहता. Oh, so sweet of you. जिसके दिल में झटका लगा, उसका दिल झिंगा लगा. Oh, I'm sorry. Hello. Sorry. मुझे आने में लेट हो जाएगा. लगता है आप बहुत बिजी हैं, है ना? बिजी तो मोदी जी भी हैं, फिर भी वो झाड़ू लगाते हैं. सलमान खान भी बिजी है, लेकिन वो बच्चों के साथ खेलते भी हैं. ग्रेट. वैसे आप क्या करते हैं? I'm an engineer. Software engineer. Oh, you look hard. Oh, thank you. But I'm little short.
But you're very smart. Oh yeah. You miss Preeti. Oh Preeti, my love. Dil cheer gayi. Nice name. आप बहुत अच्छे इंसान हैं. Thank you. Because इतने busy होते हुए भी आप. No, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. Ladies को देखकर मैं बिल्कुल बर्फ की तरह पिघल कर उनकी ओर बह जाता हूँ. कहाँ जाना है आपको? Orion Mall. Can you help it out? Keep this. Sure. Come on. Miss, are you comfortable? Yeah. कुछ स्मेल आ रही है ना? हाँ, जैसे कोई चीज सड़ गई हो. आपने यूज किया है? यूज किया है. फिर मरे क्यों नहीं? वो खाने वाली चीज नहीं है मैडम. पॉइजन एक परफ्यूम का नाम है जो स्प्रे की जाती है. महक के देखिए देखिए कैसा लगा. सुपर्ब सुपर्ब. मैं जोर से गाड़ी भगाऊंगा और फिर जोर से ब्रेक मारूंगा, तब आप मुझसे जोर से चिपक जाएंगी. आप यही सोच रही है ना? लेकिन मैं इतना घटिया आशिक नहीं हूँ. होते तो भी फर्क नहीं पड़ता. मतलब सी दिस. ये तो बोरी सिलने के लिए है. बोरी सिलने के लिए नहीं, इसके लिए है. ना 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 ना. बहुत बहादुर लड़की हैं आप तो. हुआ क्या हुआ आपको? फास्ट एंड फ्यूरियस हो गए थे, अचानक स्लो एंड स्टडी क्यों हो गए? वो सामने बहुत क्राउड है, कहाँ से निकलो यही सोच रहा था. ठीक है, आप निकल जाइए, मैं यहीं उतर जाती हूँ. हेलो एक्सक्यूज मी, आपको तो ओरियन मॉल जाना था ना? मेरे फ्रेंड्स ने अगर मुझे आपके साथ देख लिया तो मुझे चैन से जीने नहीं देंगे. जल जाएंगे. करेक्ट. इफ यू डोंट माइंड प्लीज मुझे अपना नंबर देंगे? लिख लीजिए 9440433 8. आपका नंबर क्या है? जब जरूरत पड़ेगी तब मैं ही फोन कर लूंगी. आप जब चाहे मुझे फोन कर सकते हैं. डोंट हेजिटेट टू कॉल मी. 24/7 आई एम एट योर सर्विस. ओके. क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? रास्ते से गाड़ी हटाओ. ए, गाड़ी को ठोक कर आया ना, पहले नुकसान भर. ये क्या बात हुई? एक तो ओवर स्पीड आकर गाड़ी को तुमने ठोका और ऊपर से हमसे पैसा मांग रहे हो. चलो अपनी बाइक हटाओ. ए, तुझे स्पीड पूछ के गाड़ी चलाएंगे? चुपचाप पैसा दे और निकल यहाँ से. अच्छा होगा कि सेटलमेंट कर लो, वरना बेकार में यहाँ लफड़ा हो जाएगा, फिर उससे क्या फायदा होगा. क्यों महाशय, आप भला इन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हो? इसी को कहते हैं प्यारे यूथ का पावर. हमसे जो भी टकराएगा कुछ नहीं होगा. किसान नहीं है तो अनाज नहीं मिलेगा, ड्राइवर ना हो तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं रहेगी. क्या बात कर रहे हो. ए, अपनी औकात में रह. तुम लोग ये गलत कर रहे हो. तुम लोगों की भी इज्जत है, उसे गवाओ मत. सॉरी फॉर इट. ए चलाना. चलो चल रहे. आया सीख देने. ऐसे कई टपोरियों को हम देख चुके हैं, कोट पहन के अपने आप को हीरो समझ रहा है. गुरुबख्श जी सर, तुम जाकर वो फाइल सबमिट करो. ठीक है सर. जरा देख उस हीरो को, कोट गंदा ना हो जाए इसलिए गाड़ी में रख रहा है. खादी जनता के रक्षा के लिए, खाकी देश की रक्षा के लिए, चड्डी और बनियान इज्जत बचाने के लिए, और कोट इज्जतदार के लिए. एक्सक्यूज मी. मैं कुछ काम से बाहर आया हूं. आई विल गेट बैक इन 10 मिनट्स.
कहीं करेक्ट होना चाहिए। पीपीटी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार चेक कर लो। से रेस लगाएगा चाहे कोई भी हो, हम तुमसे सवा शेर हैं, यह दिखाना जरूरी है। नहीं भाई, नहीं, सॉरी भाई। चलो छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर औरों को परेशान करने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम जैसे जवान लोगों के करने के लिए और भी बहुत से काम हैं, समझ गया ना? हाँ भाई। इस वक्त क्यों डिस्टर्ब कर रही है? हेलो हेलो हेलो, क्या फिल्म देखने? अरे छोड़ यार, यहाँ लाइव शो चल रहा है। अगर एक्शन देखना है तो उस हीरो का नहीं, इस हीरो का देख। हेलो सर, सर 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 सर, चलो भाई। सर 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 प्लीज रुकिए सर। मुझे लगता है मेरी लाइफ का हीरो यही है। तू लड़की है कि कयामत है? शादी करने वाले लड़के के सामने उधम मचाएगी तो क्या ये तुझसे शादी करेगा? शादी किसके साथ? और किसके साथ? हमारे पांडु शर्मा के साथ। मैं नहीं करने वाली। क्यों नहीं? शास्त्रों का इसे अच्छी तरह से ज्ञान है, सारे मंत्र भी फटाफट बोल देता है। इस बंधु के साथ शादी करके मुझे अपनी लाइफ नहीं खराब करनी। क्या कहा? जो सुना वही कहा। लेकिन क्यों? ये मेरी जिंदगी है, जो भी लड़का मुझे पसंद आएगा उसी से शादी करूंगी। उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। मैं और कानून तैयार है, वही काफी है। प्रीति चिल्लाइए मत, ये मेरा पर्सनल मामला है। अगर आप लोग प्रेशर डालेंगे तो मैं जान दे दोगी? जाति बदल दूंगी पर फैसला नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे शराबी बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे में तुम दोनों पीकर मेरे घर आए हो, फिर भी तुम लोग ही बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे मदद चाहिए यार। बिजनेस में लॉस हुआ है, कर्जदार भी बहुत सता रहे हैं, इसलिए हम बहुत कुछ बेच चुके हैं। घर वालों ने भी हमें घर से निकाल दिया है यार। बचपन के दोस्त हो इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। अगर कुछ पैसा दे देता तो हम कुछ धंधा शुरू कर लेते। नहीं तो हम लोग खुद खुशी करोगे, है ना? अच्छी बात है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। जाओ जल्दी जाओ, लेट हो गया है, मुझे भी सोना है। जिंदगी बॉक्सिंग रिंग की तरह होती है, तुम्हारे रिंग में उतरते ही जीत अनाउंस नहीं होती, खेलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है तब जीतते हैं, ऐसे ही जीत हासिल नहीं होती है। मम्मी ये दोनों मेरे दोस्त हैं। मम्मी माजी, नमस्ते। कोई बात नहीं, बैठे रहो। बेटा तुम लोग करते क्या हो? उसी के लिए तो यहाँ आए हैं। ठीक है, तुम लोग बैठ कर बातें करो, मैं खाना लगवा। ठीक है मम्मी, तो बताओ तुम दोनों क्या करना चाहते हो? अगर तुम पैसा दो तो एक गैरेज है, उसे लेकर हम लोग चलाना चाहते हैं। पैसे देकर इन बच्चों को भिखारी बनाने से तो अच्छा है कि किताबें देकर इन बच्चों को स्वाभिमानी बनाया जाए, यही मेरी सोच है। पैसा तो दूंगा लेकिन उधार। क्या? मंथली इंस्टॉलमेंट चुकाना पड़ेगा। सोच लो दोनों, दुखड़ा सुनाने वाले बहुत हैं, जिसके अंदर इंसानियत है वही उसे सॉल्व करता है। चलो खाना खाते हैं। नहीं गुरु। क्यों? फोकट में मिलता तो जाकर बोतल खोलते ना। दोबारा किसी को टोपी पहनाने की कोशिश मत करना। चलो खाना खाते हैं। ये क्या बेटा,
वो हेल्प मांगने आए थे ना? तुमने कहा उधार दूंगा, इंस्टॉलमेंट भी भरना पड़ेगा, ये सब क्या है बेटा? मैंने मदद करने से कहा इनकार किया माँ, मैं तो बस उधार दे रहा हूँ। पर क्यों बेटा? आसानी से पैसे देकर किसी को आवारा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। वो दोनों मेरे दोस्त हैं, वो अच्छे से रहें और जिम्मेदार इंसान बने, यही तो मैं चाहता हूँ। यूं ही पैसा दिया तो फालतू में उड़ा देंगे। अगर मैंने लोन कहकर दिया तो इस बात का डर भी रहेगा और जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। उसके बाद उन्हें ज्यादा पैसा देकर एक अच्छा बिजनेस खोल कर देना मेरी जिम्मेदारी है। उस वक्त जब मैंने तेरी बातें सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन हमारे पास इतनी दौलत होते हुए भी तूने उन लोगों को लोन देने की बात की। तुझे दोस्तों की कितनी चिंता है यही सोच रही थी। बट यू आर राइट बेटा। सॉरी मम्मी, बिना आपके परमिशन के मैंने उनको मदद का वादा कर दिया। विराट, किसी जरूरतमंद की हेल्प करना ऊपर वाले के बैंक में FD करने जैसा है। भले ही वो लोग पैसे ना लौटाए, लेकिन ऊपर वाला तुम्हें सूद समेत उसे लौटाता है। किसी अच्छे काम के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मम्मी। ये कार्टून आया नहीं अब तक। हाय, आप तो बहुत फास्ट निकले। तुम्हारे एक इशारे पर ना पहुंचो तो आशिक होने का मतलब ही क्या है? मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दोगे? नो वरीज, प्लीज कम। थैंक यू। हाँ, अब बैठो बैठो। ये किस लिए? सेफ्टी के लिए। किसकी सेफ्टी? मेरी खुद की। पर क्यों? मैडम, अचानक स्पीड ब्रेकर मिला तो गाड़ी जंप हो सकती है और तुम मेरे कहीं भी पिन घुसा दोगी, और उसे तुम्हारा प्यार समझकर मुझे सहना पड़ेगा। उस जख्म में अगर सेप्टिक हो गया तो डॉक्टर कहेगा कि ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा, डमरू ही बदलना पड़ेगा। इससे अच्छा है पहले ही प्रिकॉशन ले लिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। प्लीज कम। बहुत अच्छी सोच है। चलें क्या? ओके। संभल के। किसी अर्जेंट काम से जा रही हो? अगर लेट पहुंची तो विराट निकल जाएंगे। अरे सुन तो। ये विराट कौन है? विराट ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन है। वो आकर चला गया तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? क्या पापा, आप ही तो हमेशा मेरी शादी के लिए जिद करते हैं। मैं सोच रही थी वो ठीक रहेंगे। मतलब तुम शादी अपनी खुशी के लिए नहीं, हमारी खुशी के लिए करोगे? वैसा ही समझ लीजिए। चलता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। नमस्ते। नमस्ते। हाय। हाय, कैसी हैं आप? आप जा रहे हैं? एक अर्जेंट मीटिंग है। ओके, गुड लक। फॉर व्हाट? वो आपने कहा ना कि मीटिंग है, तो जरूर कोई जरूरी बात होगी, इसीलिए। थैंक्स अ लॉट। अब मुझे अगर आपसे फिर मिलना हो तो? कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है? ऐसा कुछ नहीं है, बात करनी थी। नो प्रॉब्लम, यू कैरी ऑन। If you don't mind, please join with me. Sure. But my bike. आहा, जब एक लड़के की लाइफ में एक लड़की एंट्री लेती है, तब उस लड़के के चाल चलन पूरी तरह बदल जाते हैं। ये मुझे आज पता चला। Stop, stop, stop. Helmet क्यों नहीं पहना है तुमने? अब क्या दिन में भी पहनूं? मुझे रात में पहनने की आदत है। तुम्हारा मतलब है दिन में कभी तुम्हारे साथ हादसा नहीं होगा? ये बात नहीं सर, दिन में लेट कर मैं कभी खर्राटे नहीं मारता। मतलब मैं सोता ही नहीं हूँ सर। छी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरे भी कहने का मतलब वो नहीं था। इनका मैं अब क्या करूं? सर, रात में मेरी बीवी सर पे मारती है तो सर ना फट जाए, इसलिए पहनता हूँ। क्या बात है सर, आप इतना हंस क्यों रहे हो? मेरा सर देख के समझ ले यार। आपको भी हेलमेट की जरूरत है। जाओ जाओ जाओ। विचित्र इंसान है। सर 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 सर। क्या है बहन? सर आप मुझे आगे तक ड्रॉप कर देंगे? चलो आओ बैठ जाओ। सर थैंक यू सर। ये बताओ तुम काम क्या करती हो? अरे सर क्या बताऊँ आपको, सुबह से शाम तक पसीना बहाकर मेहनत करनी पड़ती है, थक जाती हूँ सर। पेट भरने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। हर कोई पेट के लिए ही करता है। सर 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 सर, बस यही रुक दीजिए। अरे यहाँ क्यों उतर रही हूँ, यहाँ सामने आवारा लड़के खड़े हैं, आगे छोड़ देता हूँ। नहीं बस यही छोड़ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इतना लेट क्यों हो गई? मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उनसे पूछो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। इतना लेट क्यों हुआ? क्या लेट, तुम अंधे हो क्या? कितनी ट्रैफिक थी। ठीक है चल अपना नंबर दे। मेरा नंबर किसी ने देता है कि नहीं? ठीक है ले लो, 9448487737। श्याणा मत बन, दलाली का काम कर रहा है। दलाली का काम कर रहा हूँ मतलब, ये क्या बोला? क्या कहना था, दिल की बात दिल में रखने से दिल का बोझ बढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है,
दरअसल आपकी रिचनेस में और आपके कैरेक्टर में बहुत फर्क है। स्फूर्ति, मेरे रिचनेस से कैरेक्टर ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन इस मामले में तुम मुझसे दो कदम आगे हो। मैं नहीं, नो, आई रियली मीन इट। मैं, मेरा, हमारा, ऐसा सब लोग कहते हैं, लेकिन सबको अपना कहना आपका बड़प्पन है। इसीलिए आप किसी का भी दिल बहुत जल्दी जीत लेती हो, इंक्लूडिंग मी। दैट्स व्हाई आई लाइक यू अ लॉट। क्या कहा आपने? मुझे? आई कांट बिलीव इट। स्फूर्ति, तुम्हारा नाम ही स्फूर्तिदायक है। कीप गोइंग। नमस्कार। नमस्कार। देखा जाए तो सरकार का हर काम टेंडर के जरिए ही किया जाता है। पहली बार हम किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। आज की मीटिंग इसीलिए बुलाई गई है। एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट हमारे कर्नाटक में ही है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा पावर की प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ है। इस प्रोजेक्ट से क्या फायदे हैं, क्या मकसद है, इन बातों को आपके सामने रखने के लिए दो शख्स डिटेल्स देंगे। प्लीज एक्सप्लेन टू अस। यस मैडम। इट्स अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट। इससे पावर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड टू डू दिस यू नीड मनी, माइंड एंड विजन, और वो सब मुझ में है। तो अगर ये प्रोजेक्ट मुझे मिला तो आप लोगों के सारे सपने मैं साकार करूंगा। दैट्स ऑल। हाय एवरीबॉडी, आई एम विराट प्रसाद फ्रॉम प्रसाद ग्रुप्स। मेरे फ्रेंड ने पावर प्रोजेक्ट बड़े अच्छे स्टाइल में समझाया। मेरा इंटेंशन भी वही है, स्टेट को पावरफुल बनाना, पर मेरी स्टाइल जरा अलग है। प्लीज कोऑपरेट। हमारे स्टेट में 6 तरीके से पावर को जनरेट किया जाता है। कोल बेस में 44.9%, गैस 23.3%, हाइड्रो 6.9%, रिन्यूअल्स 3.6%, न्यूक्लियर से 20.3% एंड पेट्रोल इज 1%। मतलब सबसे ज्यादा 44.9% फ्रॉम कोल, मतलब थर्मल पावर प्लांट एक्सट्रैक्शन, मतलब पावर एक्सट्रैक्शन इज रिड्यूस्ड फॉर 5%। गैस, न्यूक्लियर, पेट्रोल से जो पावर मिलती है वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ती है। इतना ही नहीं, किसानों को, एमएनसी कंपनीज को सब्सिडी देनी पड़ती है। इस वक्त हमारे पास कुल हाइड्रो पावर प्लांट 20 हैं, उनमें से 6 से 8 यूनिट काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मिसिसिपी और नाइग्रा से पूरे अमेरिका में पावर सप्लाई होता है, बट इट्स नॉट हैपनिंग हियर। आई डोंट नो व्हाई। पर पानी फेर देगा। भविष्य में हमारा राज्य पावर के मामले में सबसे अव्वल रहेगा। That's all. Thanks for being with me. Have a very good day. इसकी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। Fantastic. Thank you. You will do it. Thank you, ma'am. Good. Hey. बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। मदमस्त हाथी पर कोई सवारी नहीं करता। एक होशियार महावत को मदमस्त हाथी परेशान नहीं कर सकता। कड़कती बिजली के सामने आने की कोशिश अच्छी बात नहीं है। बिजली की पावर को अपने कब्जे में लेकर उसकी पावर को आजमाने वाला नाम एक ही है, विराट। अभी विराट होगा, आगे खाक हो जाएगा। सामने सांड खड़ा ये सोचकर भागने वालों में से मैं नहीं हूँ। देख लिया मेरी पावर को? सिर्फ एक इशारा और तू उसको प्यारा। सुन, पूरे राज्य को पावर देने का प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिया है, तो सोच मेरे हाथ में कितनी पावर होगी। Massive, 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 massive
इसके पहले भी तूने एक बार मुझे मारने की कोशिश की थी, बट नहीं हो सका। ट्राई अगेन एंड अगेन टू विन इट, बट डोंट बेट ऑन अ डेड हॉर्स। देश को बर्बाद करने की नीयत वाला बदजात, गद्दार और एक नंबर का देश द्रोही तू है। हेलो सर। दिनेश सर, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें नए लोगों की जरूरत है, तो जितनी जल्दी हो सके फ्रेश टीम को फॉर्म करो। सर, हमारा सॉफ्टवेयर पार्क फिनिशिंग स्टेज में है, उन्हें बुला लूं क्या? नो, उनका एक कमिटमेंट है, उनको डिस्टर्ब मत करो। अगर चाहो तो बाहर से रिक्रूट कर लो, अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें शिफ्ट करेंगे सॉफ्टवेयर पार्क। यस सर। दिनेश, लास्ट वीक के कंपनी सेमिनार में गए थे ना? यस सर, इंटेलिजेंस इंडिया टेक पार्क। एग्जैक्टली, तुम इमीडिएट उन्हें फोन करके हमारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करो और हमारी रिक्वायरमेंट बताओ, माइट बी दे कैन हेल्प अस। मुझे लगता है कि उनके पास इंट्रैक्शन करने के लिए काफी प्रॉमिसिंग लोग हैं। आई थिंक इट्स अ बेटर ऑप्शन। श्योर सर, विद इन 10 मिनट्स आई विल गेट बैक टू यू सर। या हेलो सर, दिस इज दिनेश कटारिया फ्रॉम प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज। हेलो सर, इट्स मी चेतन फ्रॉम इंटेलिजेंस इंडिया टेक पार्क। हेलो, कौन है, किससे बात करनी है? पता नहीं तुम कैसी दिखती हो, लेकिन तुम्हारी आवाज कमाल है। वाह, मुझे तो बस तुम ही चाहिए। ए, तुझे पागल कुत्ते ने काटा है, पता है तुझे तू किससे बात कर रहा है? सुन, आवाज नीची रख, मैं अच्छे से जानता हूँ तू रात में कितना बिजी रहती है। हम कैसे कस्टमर हैं ये मामू से पूछ ले। कौन सा मामू? अरे जो हमें आइटम सप्लाई करता है, एकदम टॉप, वही मामू। अरे भूकंप आया, अरे बचाओ, जमीन हिल रही है, हम सब मारे जाएंगे, अरे कोई बचाओ बचाओ। ए, कोई नहीं बचाएगा, मैं तुम्हें फुटबॉल बना कर रखूंगी। पहले फोन पर कौन बात कर रहा है देखो। कौन है? मैं हूँ मामू। मामू, पहचाना नहीं क्या? वो कमाल की आइटम थी जिसे उस दिन मेरे पास ड्रॉप किया था। अरे बाप रे, तुम्हें कैसे पता चला? मार्केट में आए हुए फल को सबसे पहले कौन टेस्ट करता है? ब्रोकर। तेरा काम निपट गया हो तो मेरे पास भेज दे। किसे, कहाँ भेजू सर? वही जहाँ तूने स्कूटर से आके छोड़ा था। सेम जगह, सेम कस्टमर। जानता हूँ मामू, बहुत रात हो गई है, अरे टिप थोड़ी ज्यादा ले लेना। देख, इज्जत से तू फोन रख दे, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस, पुलिस। तू अगर अभी लेकर के नहीं आया तो तेरे घर पुलिस मैं भेजवाऊंगा, मुझे माल नहीं मिला तो धंधा बंद। और तू भी सुन ले कमीने। अरे तेरे मुंह पे माटी गिरे, दलाली का धंधा शुरू कर दिया। तुझे छोडूंगी नहीं। Hi everybody. Hello, sir. Now please introduce yourself. This is Mr. Virat Prasad, Chairman of Prasad Group of Companies. Of course, pata hai sir. Yep. Sir, main hu Guru Prasad Ali Mani. Keshav Prasad sir. Kirti, Kirti Kailash, Kailash mere pitaji ka naam hai. Jairaj Jadhav. अब तक के हर एक राउंड में यू आर ऑल टॉपर्स। प्रोजेक्ट के डिटेल के बारे में दिनेश आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। आप सबको अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करना होगा। सीखना ही जिंदगी है, और जिंदगी एक किताब की तरह है, सीखने वाले स्टूडेंट्स भी चाहिए और सिखाने वाले टीचर्स भी चाहिए। सो आप फील्ड वर्क डिपार्टमेंट्स के हैं, सीखिए। ओके सर। फाइनली मेरा एक ही मशवरा है, मैं अकेला आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे आप सबकी जरूरत है। सो बी विथ मी। आई विल सर। बट सोच लो, सुबह काम पर आने का कोई टाइम नहीं और रात को घर जाने का भी कोई टाइम नहीं। सर, किसी भी कंपनी को सक्सेसफुली ग्रो होने के लिए उसमें एटलीस्ट किसी एक को सच्चे दिल से डेडिकेशन देना पड़ता है, वैसा डेडिकेशन मेरे पास है। आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल कंपनी सर।
प्लीज. गुड, आई लाइक योर कमिटमेंट. सो लेट्स हैव लंच. थैंक यू सर. ये धनिया कैसे दिया? ₹5 भाई साहब. ₹5 लेना है तो ले लो. पिछले हफ्ते ₹3 था. हाँ. आज ₹5 कैसे हो गया भाई साहब? हमारा धंधा भी बिल्कुल शेयर बाजार की तरह है. कभी चढ़ता है तो कभी उतरता है, कुछ पता ही नहीं चलता. बहन थोड़ा डिस्काउंट कर दो ना. सुनो, ज्यादा किचकिच मत करो. अरे रे, तुम क्या जानो पैसा कमाना कितना मुश्किल है. अभी तुम ये सब नहीं समझोगी, शादी के बाद सब पता चलेगा. चुप रहो. लगता है बहुत बड़ा कंजूस है भिखारी कहीं का. क्या हुआ, क्या बड़बड़ा रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं भाई साहब. छोड़ो छोड़ो, तुझ जैसी औरत से मैं कुछ भी नहीं लूंगा. अरे जा जा, तू क्या खरीदेगा, तेरी ₹2 की औकात. बताती हूँ बड़ा. हाय प्रीति, दोनों में कौन सुपरस्टार है? अभी भी कंफ्यूज हो क्या? क्या बात है, आज तुम्हारे घर में लक्ष्मी पूजन है क्या? नहीं तो क्यों? वो क्या है, पूजा के लिए पंडित जी को लेकर जा रही हो इसलिए? अरे अरे रे, ये पंडित जी नहीं है, हमारा रिश्तेदार है. ये ना मुझसे शादी करने का सपना देख रहा है. ये इन्हें सपना देखते रहने दो, मैं हाँ करूँगी तब ना. यस यू आर राइट. काम करो. हाँ. पहले आप इन्हें घर पर ड्रॉप करके आ जाओ. okay. उसके बाद हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर yeah. चलेंगे. ओके 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 ओके, यू आर राइट. या सुपर. हाय हाय, आप वही हीरो है ना? आप हैं कौन, ये क्या कह रही हैं? वही, उस दिन जो रोड पर फाइट हुई थी, कुछ याद आया? ये बताइए, आपके सिर्फ हाथ स्टील के हैं या पूरी बॉडी स्टील की है? अच्छा ये बताइए, आप खाते क्या हैं? खाना खाता हूँ. हमारे घर के सारे मर्द भी वही खाते हैं, लेकिन मंत्र के अलावा कुछ नहीं आता. हेलो, अब है कौन? प्रीति, प्रीति पुरोहित. ये नाम ना मेरे पापा ने पूजा करते वक्त रखा था, यूं ही रखा था, या फिर पुरोहित नाम याद रखने के लिए रखा था, मुझे नहीं पता, बट मैंने प्रीति को रखकर पुरोहित कट कर दिया. आपका नाम? विराट, विराट प्रसाद. किस भगवान के प्रसाद हो? अपने मम्मी पापा का प्रसाद. करेक्ट, वो भी भगवान ही है. ओके, आप यहाँ कैसे? तुम? जान पहचान हो गई, अब फ्रेंड्स, अब फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? वैसे मैं भी अपने फ्रेंड्स का इंतजार कर रहा हूँ, पर वो तुम्हारी तरह इतनी बकबक नहीं करते. बकबक करे तो भी चलता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. खैर, उनसे ज्यादा तुम ही बेटर हो. ऑफ कोर्स. ये बताइए, आप यहाँ खड़े खड़े बोर नहीं हो रहे? तुम हो ना? हाँ, क्या मैं? फ्रेंड्स. हाय ब्रो. तुम सब कहाँ चले गए थे यार? सॉरी ब्रो. यही है क्या तुम्हारे यूजलेस फ्रेंड्स? टाइम सेंस, कॉमन सेंस कुछ भी नहीं है. गुरु ये कौन है? मैं भी नहीं जानता. फ्रेंड्स, तेरा गैरेज कहाँ है यार? ये नहीं यार, वो आगे वाला है. चलो बाय. तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, और तुमने मुझे डिस्टर्ब किया इसके लिए थैंक्स. विराट, फिर कब मिलोगे? ये भी हमेशा आता रहेगा. बाय ब्रदर. बाय बाय. कीर्ति सर, आज फाइनेंशियल मीटिंग है ना? यस सर, 12 से 1 तक फाइनेंशियल मीटिंग है, नेक्स्ट लंच ब्रेक एंड 2:30 की पोल्यूशन बोर्ड मीटिंग है, एंड अराउंड 5 वी हैव डिस्कशन विद ऑल डिपार्टमेंट्स. सो स्मार्ट. यप. ओके सर. सर, यू हैव एनी प्रोजेक्ट प्लान्स? या कीर्ति. यस सर. Thanks. Sir, project plan. Hope this is what you're looking for. Yeah. Dinesh, sir? Guru Baksh अभी तक नहीं आए हैं. शाम 5 बजे मीटिंग है. सारी फाइल्स उन्हीं के पास हैं. Oh, sorry sir. I forgot. Excuse me. Yeah, boss is leaving. Yeah, okay, okay, fine. Bye, bye, bye. I will call you back. Sir, वो already spot पर हैं. And these are the papers. You are too smart, Kirti. Kirti, yes, come sir. With me. मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए. लेकिन वो पैसा तो मेरे पति का उन्हें है ना? मैं जानता तक नहीं. अपनी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी और मेरा काम स्मूथली होगा, ये सोचा था मैंने. उस पैसे को मैंने इस रिश्ते की कीमत पर दिया था. ये प्रोजेक्ट मेरी ही कंपनी को मिलना चाहिए, वरना मैं मीडिया के सामने जाऊंगा और बताऊंगा कि 100 करोड़ रिश्वत ली है आपने. जब तूने पैसे दिए थे उसी वक्त वो सारे पैसे मैंने अनाथ आश्रम और स्कूल में डोनेट कर दिए थे. अब अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा ना, तो मैं सबसे कह दूंगी कि मेरे विरोधियों की ये मुझे फंसाने के लिए एक चाल है और कुछ नहीं.
इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना ये मत भूलो तुम्हारी गवर्नमेंट अगर चल रही है तो हम जैसे बिजनेसमैन की वजह से, समझ गई ना? तुम जैसे धमकी देने वाले न जाने कितने बिजनेसमैन जेल में रोटियां तोड़ रहे हैं, तुम्हें भी खानी है तो बताओ। तुम जैसे लोगों के आगे झुककर अपनी कुर्सी बचाने वालों में से मैं नहीं हूँ। मैं अपने सपनों को कुर्बान कर सकती हूँ पर आदर्शों को नहीं। Now get the hell out of here. एक आम इंसान की तरह समझा रही हूँ। अगर सीएम की तरह ऑर्डर कर दिया ना तो जिंदगी भर अफसोस करोगे कि आखिर मैं पैदा ही क्यों हुआ। Wow, beautiful. Fabulous. हाय कीर्ति, तुम वहीं क्यों रुक गई? सर, आपका घर तो मुझे मैसूर का जू जैसा लग रहा है क्या? नहीं, पैलेस जैसा लग रहा है। बैठो, नाश्ता करो। इट्स ओके सर। नाश्ता करने के लिए शर्माने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें दोबारा पूछने की आदत नहीं है। यहाँ का टेस्ट लग जाएगा तो डेली आएगी। सर, 11:30 बजे बैंक ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग है एंड एरिया सर्वे के लिए एक टीम भेजनी है। हाँ। माँ जी नमस्ते। नमस्ते। मम्मी, ये कीर्ति है, मेरी माँ। नमस्ते माँ जी। बहुत टैलेंटेड है, इस वक्त नए प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम कर रही है। मेरा बेटा किसी को करीब आने नहीं देता, तुम बहुत लकी हो। सर, कोई स्फूर्ति नाम की मैडम आई है। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। हाय स्फूर्ति। हाय, आप कैसी हैं माँ जी? मैं ठीक हूँ बेटी, बैठो ना। जी। दो दो लड्डू आ गए तो काले जामुन का क्या काम, मैं निकलता हूँ। नाश्ता कर लो बेटी। मैं नाश्ता करके आई हूँ। कल हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, आप लोगों को जरूर आना है। कैसा फंक्शन? मैं एक बच्ची को गोद ले रही हूँ, आपको आकर उसे आशीर्वाद देना है। जरूर आएंगे। अब मैं चलती हूँ। स्फूर्ति, शी इज कीर्ति। हाय। हाय, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। कल आप भी आइएगा। श्योर। अब मैं चलती हूँ। ओके मम्मी, मैं इन्हें छोड़ कर आता हूँ। ये! अरे ये क्या हुआ इसे? He's coming! इतना बिजी मैन और yes, मेरे लिए अपने सारे काम छोड़कर आ रहे हैं। You know, जब मैं उनके घर गई ना तो उन्होंने खुद मेरा स्वागत किया। सच में उसने आके रिसीव किया? Yes, मुझसे कहा कि यहाँ बैठो और हमारे साथ नाश्ता करो, फंक्शन के लिए जब बुलाया तो आई विल कम, ऐसा कहा। अच्छा। इतना ही नहीं, वो मुझे बाहर तक छोड़ने भी आए। फाइनली उन्होंने क्या कहा जानती हो? आप एक बच्चे को गोद ले रही हैं, फिर आपकी शादी, बच्चे, इसका कोई आइडिया नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हमारे साथ रहेगी। अपंग बच्चे, मंद बुद्धि बच्चे, HIV पीड़ित, जिन्हें दुनिया नफरत से देखती है, वो भी उन्हीं की देन है। उन्हीं बच्चों में से ये भी एक बच्ची है। मतलब हैंडीकैप है? नहीं, HIV पॉजिटिव। ये नाम सुनते ही कितने लोग भाग खड़े होते हैं, ऐसे बच्चे को आप गोद ले रही हैं। Really, you are great. That's why I like you so much. That's why I like you, ऐसा कहा। अरे यार, क्या काम कर यार? उसमें नहीं, ऊपर से खींचना वो। अरे फूल कम पड़ रहे हैं। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है इंतजार करना। तुम सब इंतजार करने के लिए पैदा हुए हो और तुम्हारा दोस्त इंतजार करवाने के लिए। उसके बारे में ऐसी बातें मत करो मैडम, जानती हो कौन है वो? हाँ, वो कोई करोड़पति है क्या? जी हाँ, करोड़पति ही है, प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन। तो फिर अगर वो चाहता तो अपनी कंपनी में तुम लोगों को जॉब दिला सकता था ना? फ्रेंड्स को लेबर बनाकर उन पर हुकुम चलाना वो पसंद नहीं करता। दोस्तों के बीच छोटा बड़ा, अमीरी गरीबी, कोई फर्क नहीं होना चाहिए, यही वो चाहता है। नहीं नहीं, हम सबको सेटल करने के लिए इस गैरेज के लिए लोन उसी ने दिया है। क्या वो इतना कंजूस है? हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी खुद समझे, यही उसका मकसद है। या हो सकता है वो तुम लोगों के सामने नाटक कर रहा हो। जिंदगी भर कोई नाटक नहीं कर सकता, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है मैडम। वो ग्रेट है। अरे तुम उसे वो क्यों कह रही हो? हाँ, वो मेरा भी फ्रेंड है ना। एक दो बार मिलने से फ्रेंड हो गए क्या? लड़कियाँ सूरज की किरणों से भी फास्ट होती है, ये तुझे नहीं पता? देखो लड़कियों को मैं फास्ट तो समझता था, लेकिन इतनी फास्ट होती है, तुम्हें देखकर कंफर्म हो गया। हाय प्यारों। हाय गुरु। हाय दोस्त। हाय। आओ प्रीति। ओके गुरु, टाइम हो गया पूजा शुरू। चलना यार। हाँ हाँ।
रोटी लो बेटी। अब सभी अक्षत डालेंगे। ऑल द बेस्ट यारों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो, तुम कोई गिफ्ट नहीं दोगी क्या? ये लो। बस इतने से काम चल जाएगा क्या? ये भगवान का प्रसाद है। ओह। ये बहन, इसके अलावा आप लोगों को क्या दे सकती है? भगवान के आशीर्वाद से बढ़कर मेरे पास जो कुछ भी है वो ले लो। विराट की विश लोन चुकाने के लिए और मेरी विश कामयाबी के लिए, इसलिए अब मैं जब भी आऊँ इस बहन को भरपूर प्यार देना। देखा गुरु, ये क्या कह रही है? She is very bold, प्यारे। इसलिए तो मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। समझ गया, इसीलिए मैंने पहले ही मना किया था तुझे। पता नहीं ये कौन विराट है। पापा, इज्जत से बात कीजिए। इज्जत गवाकर मैं अपने साथ बच्चा लेकर नहीं आई हूँ। सॉरी दीदी, मैं उसे प्यार करती हूँ। आप सब उन्हें एक बार देखकर फिर डिसाइड कीजिए। सुन लिया भाग्यवान, जाने से पहले हाथ पैर जोड़ रही थी और अब देखो ऑर्डर कर रही है। इसीलिए कहते हैं कि विद्या लोगों को अकलमंद भी बनाती है और साथ में बिगाड़ती भी है। एजी, आप जरा चुप रहेंगे। देख बेटा कीर्ति, तूने कहा कि तू उसे पसंद करती है, उसी तरह वो भी तुझे पसंद करता है। बिल्कुल, वरना वो ऐसे मेरे बुलाने पर यहाँ अपना काम छोड़कर क्यों आते? आई लाइक यू ऐसा क्यों कहते? स्फूर्ति, आई लाइक यू के कई मतलब होते हैं। सच कहा, आई लाइक यू कहना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी आई नीड एन आंसर। सो डायरेक्ट पूछकर कंफर्म कर लेना बेटर है। कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे जरूरत है। अगर तेरा यही फैसला है तो आज से तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। अगर मैं आपकी मर्जी से शादी करूं तो मैं इस घर में रह सकती हूं, इसकी क्या गारंटी है बाबूजी? इसे उछलने दो बाबूजी, वो लड़का इसे हाँ करेगा तब ना। हाँ करेंगे और तुम सबको मनाने के लिए घर भी आएंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी विराट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वन मिनट सर। गुरुबख्श सर। लीजिए सर। हेलो। हाय स्फूर्ति। मुझे बात करनी है, थोड़ी पर्सनल है। मीटिंग खत्म होने में और एक घंटा लगेगा। उसके बाद हम कहाँ मिल सकते हैं? कहाँ क्यों, हम अपने ऑफिस में मिलते हैं ना, लंच में। ओके बाय, हैव अ ग्रेट डे। एवरीथिंग इज ओके विराट, हम आपके साथ हैं। अंधेरे से जूझने वाली जनता को आप रोशनी जरूर देंगे। वक्त सही नहीं रहा तो हमें ही अंधेरा घेर लेता है। मैं रोशनी देने वाला कोई महात्मा हूँ क्या? अंधेरे का एहसास सबको है विराट, लेकिन आप रोशनी दे रहे हैं और यही आपकी एक महान सोच है। थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर। थैंक्स अ लॉट सर। क्या है कीर्ति? मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। चेम्बर में बात करते हैं, आओ। एनासिन। हेलो। हाय विराट। मैडम, बॉस तो मीटिंग में बैठे हैं। ए मोटे, फोन उन्हें दे। या सर। या आई विल कॉल यू बैक। ओके सर। बोलो कीर्ति, तुम कुछ कहना चाहती थी ना? वो जस्ट अ मिनट। सॉरी स्फूर्ति, मुझे अर्जेंट कॉल आया। तुम्हें क्या कहना था? जी वो हाय विराट। बस इसी की कमी थी। क्या गुरु, आज तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल कलरफुल लग रही है। ये है कीर्ति, ये है स्फूर्ति, एंड शी इज प्रीति। हाय। बोलो स्फूर्ति। थोड़ी पर्सनल बात है। कोई बात नहीं, सब अपने ही है। आज तक मैंने समाज सेवा के अलावा कभी अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन आपसे मिलने के बाद मैंने सर, बिफोर दैट आई वांट यू टू से समथिंग सर। बोलो। मैं गांव से शहर आई हूँ तो इसकी वजह सिर्फ आप हैं। ओहो, मैं तो यहाँ सिर्फ भगवान का भजन करने आई हूँ, है ना? देखो विराट, इन दोनों को तुम सिर्फ पसंद हो, बट मेरे लिए तुम मेरी जान हो। पहले मैंने पसंद किया तुम था। दोनों से पहले मैं इनसे मिली हूँ। फर्स्ट लास्ट करने से ज्यादा बेस्ट कौन है ये इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि हमारी लाइफ का सवाल है। लाइफ। सो व्हाट्स लाइफ? हर रोज एक नया सपना देखकर मौत की तरफ बढ़ता हुआ सफर। उन सपनों के और जिंदगी के सफर में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। नो no, मैं रहूंगी। शट अप, मैं रहूंगी। ही इज माइन। नहीं, वो मेरे हैं। तुम चुप नहीं रह सकती क्या? व्हाई शुड आई? क्योंकि शट अप। स्टॉप इट। तुम लोग क्या समझ रहे हो? जरा सा अपनापन क्या दिखा दिया? तुम तीनों तो मेरे गले ही पड़ने लगी। तुम सब एजुकेटेड हो ना? प्यार को तुम लोग क्या समझते हो? पूछते ही मिल जाता है, चाहोगे तो हासिल हो जाता है, या फिर मांगने से मिलने वाली भीख है? नहीं, ये दो दिलों के बीच का रिश्ता है। तो फिर मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना। इंसान जिसे चाहता है वो चाहत उसके अंदर पैदा होनी चाहिए। हाँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ। इस तरीके से? और मैं क्या कहूँ, अब तुम्हारे बगैर जीना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। ऑफ कोर्स, मैं जीऊंगी तो तुम्हारे साथ, वरना जान दे दूंगी। मैं खुद को फांसी लगा लूंगी। मैं तुम्हारी गाड़ी के नीचे आ जाऊंगी। चुप। तुम सबको हो क्या गया? प्यार हो गया है? नहीं, पागल हो गई हो। मेरी जान बचाना अब सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में है। मैं सिर्फ एक ही का हो सकता हूँ। तीनों में बंटने के लिए मैं कोई मंदिर का प्रसाद नहीं हूँ। ठीक है, वो हमें से कौन है बताओ? देखो, तुम सब ने अपना अपना फैसला सुना दिया। मुझे अपना फैसला सुनाने के लिए टाइम चाहिए। कितना टाइम? पता नहीं, जब सही वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा। वैसे एक सच बात सुन लो, मैं तुम में से एक से सच में प्यार करता हूँ, और वो जब मैं बताऊंगा तो एक को खुशी मिलेगी और दो को शौक। जिसको खुशी मिलेगी उससे ज्यादा बाकी दोनों को संभालना जरूरी है। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। जिसे प्यार पर भरोसा है उसे नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हैं? सच्चाई एक दिन सामने आ जाएगी। बेटर यू पीपल रिलैक्स। मैं तुम में से एक से सच में प्यार करता हूँ। मैं तुम में से एक से सच में प्यार करता हूँ। मैं तुम में से एक से सच में प्यार करता हूँ। या सिंह। विराट, तुझे समझाने से कोई फायदा नहीं। अब हम दोनों के बीच होगी सिर्फ जंग। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। या तो तू रहेगा या फिर मैं। फुल फ्रीडम। हेलो, क्या हुआ? तेरे बॉस की फट गई क्या? तेरे से बात करने के लिए मेरे बॉस क्यों चाहिए? मैं ही काफी हूँ, चल बोल। इडियट। hey, तेरी तो। अबे मेरी नहीं, तेरी तो। hey! मुलकट माता के मंदिर के मेले की तरह तेरे मुंह में सलिया घुसेड़ के बंद कर दूंगा। यू ब्लडी। देख देख, तू फैमिली तक मत पहुंच। hey! तू बहुत लकी है बेटा, एक साथ तीन तीन लड़कियां प्यार करती हैं। सच में मेरा काम आसान हो गया। ये बता विराट, उनमें से तुझे कौन पसंद है? प्रीति का नेचर कैसा है? एकदम लड़के जैसा मैडम। लड़के जैसे नेचर वाली लड़की से कैसे शादी कर सकता है? खैर, तुझे कीर्ति और स्फूर्ति में कौन पसंद है मैं उससे बात करूंगी। मम्मी प्लीज। मम्मी क्या हुआ बेटा? आपको पता है वो तीनों लड़कियां किस पोजीशन में है? मैंने एक से प्यार का इजहार किया तो बाकी दोनों जान दे देंगी। हमें आपकी जान बहुत प्यारी है बॉस। मेरा काम हो गया। मम्मी, उनमें से एक से मैं प्यार करता हूँ, लेकिन बाकी दोनों की जान भी मुझे प्यारी है। बिकॉज आई लाइक देम फॉर वेरियस रीजंस। सही वक्त देखकर उन दोनों को कन्विंस करके बड़े प्यार से मैं अपने प्यार को बचा लूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो बता ही सकता है कि तू किससे प्यार करता है। मम्मी,
आपको बताए बगैर मैं कोई काम नहीं करता, आप अच्छी तरह जानती हैं। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन उन सब का क्या होगा? Let them feel their love. हम बेकार में आपस में क्यों लड़ रहे हैं? किसी दो को तो बैकआउट होना ही है। तो तुम दोनों हो जाओ। देखो, तुम दोनों मेरी बहन जैसी हो, सो तुम दोनों ही ना कर दो और मुझे शादी करने दो। एक बात बताओ, हमें क्या बुराई है? अपना थोबड़ा देखा है तूने? फालतू आइडिया है। हम तीनों बहनों की तरह हैं, तो तुम ही मेरे रास्ते से हट जाओ। एक्चुअली पहले मेरा शादी का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन अब घर वालों के लिए। मैं भी वैसे ही हूँ। मैं विराट को अपने घर ले जाकर, अपने घर वालों को मनाकर। तो तुम दोनों का मतलब है मैं आश्रम में जाकर भगवान का कीर्तन भजन करूं? तुम दोनों शादी कर रही हो अपने परिवार वालों के लिए, और मैं सिर्फ अपने लिए। प्यार करने से पहले भी मैंने किसी की नहीं सुनी और ना ही अब सुनूंगी, समझ गई? कीर्ति, ये तो बड़ी ही ना समझ है। और तुम भी उससे कम नहीं हो। क्या कहा था तूने? मुलकट माता के मेले में जैसा होता है वैसा ही करेगा। अब दिखाता हूँ तुझे। अरे बाप रे! उस दिन तो इसी की बात कर रहा था ना। ये त्रिशूल तेरे मुंह में और ये हुक तेरे पीठ में फंसाऊंगा, फिर तू माता से अपनी जान की भीख मांगेगा। सर, मैं तो श्री गणेश जी के बाजू में बैठे चूहे के जैसा हूँ। जब गणेश जी सामने होते हैं तो मैं शान से अपनी मूछे घुमाता हूँ, और जब गणेश जी चले जाते हैं तो मैं बिल में घुस जाता हूँ। सर, बिल में घुस जाता हूँ। तुझे बिल में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे हुक में लटका देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तेरी खाल उधड़ते देख कर तेरे बॉस को मेरी ताकत का एहसास होगा। मैं मर जाऊंगा। नहीं बॉस, नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं बॉस। ओ, तो तू आ गया। ऑफ कोर्स, लेकिन एक बात सुन, मुझे बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। मेरे जाने के बाद तुझे अफसोस करना पड़ेगा। लेकिन क्यों, तू बवंडर है क्या? बिल्कुल, इज्जत से नंदी की तरह सर झुकाएगा तो तू बच जाएगा। अगर सींग मारने की कोशिश करेगा तो जान से जाएगा। सर झुका। मैं सिंह हूं जिसका सिर कभी नहीं झुकता। सर उठाकर खड़ा रहना स्वाभिमान का लक्षण है, सर झुकाना इज्जत का लक्षण है, सर घुमाना घमंडियों का लक्षण है, और ऐसे ही सरों को झुकाना इस विराट की स्पेशलिटी है। लुक, तूने मेरे प्रोजेक्ट को मुझसे छीन लिया। सीएम के साथ जो मैंने रिलेशन बनाया उसे बिगाड़ दिया। तेरी वजह से मुझे बहुत लॉस उठाना पड़ा है। सो या तो तू मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना ले, या फिर मेरे नुकसान की भरपाई कर। शेर कभी भी कुत्ते के साथ नहीं रहता। मेरे साथ दुश्मनी महंगी पड़ेगी। मेरे अंदर दो गुण हैं, अच्छे आदमी को लेने के लिए, यम भी आ जाए तो उसे भी लौटा सकता हूँ, लेकिन बुरे आदमी को मैं खुद ही यम लोक पहुंचाता हूँ। सर्वनाश हो जाएगा तेरा। सर्वनाश किसका होगा ये पता चल जाएगा अगर तू सच में मर्द है। तो इस मोटे को छुड़ा कर ले जाओ। सिंह, मर्द क्या होता है ये आज देख लेना, तभी तो तुझ जैसा नामर्द सीख पाएगा। ऑल द बेस्ट। Yeah.
अब क्या हुआ? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार करता हूँ ऐसा भी तो नहीं कहा ना। पापा, हर बात विश्वास पर होती है और वो विश्वास मुझे है। विश्वास? ये देख कितना अच्छा विश्वास है, ये मासूम विश्वास पे ही पल रही है। पापा, आप मेरे मामले में दीदी का एग्जाम्पल मत दो। तो अब क्या करोगे बेटा? हो सकता है वो लड़की मैं ही हूँ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसीलिए खुद टूटा हुआ नारियल बनकर तुम तीनों को प्रसाद बांट रहा है। दक्षिणा ना मिलने पर जैसे आप घूरते हैं वैसा हमारा प्यार नहीं है। देख लो भाग्यवान कैसी बातें कर रही है। अरे मैंने कभी ऐसा किया है क्या? प्रसाद जब खत्म होने लगता है तब आप बांटने में कंजूसी क्यों करने लगते हैं? देख कीर्ति, तेरा प्यार कहाँ तक पहुँचा है ये तो मैं नहीं जानती। सच में अगर तुम्हें वो चाहिए तो पहले उसके दिल में प्यार जगाना होगा। खुद को बर्बाद कर चुकी है, अब उसे पाठ पढ़ा रही है। पापा, आप जरा चुप रहिए, तुम बोलो दीदी। हाँ, मुझे ही चुप कराओ। मेरे हिसाब से तो हेल्प ले ले। किसकी लूँ? चाहे वो लड़का हो या लड़की, दिल की बात हमेशा फ्रेंड से कहते हैं। उसके क्लोज फ्रेंड्स कौन कौन है ये पता लगाओ और उनके जरिए विराट के दिल में तुम्हारे लिए प्यार है या नहीं इजीली पता चल जाएगा। मुझे उसके फ्रेंड से ज्यादा उसके सेक्रेटरी को अप्रोच करना बेटर लग रहा है। आपका भाई ही सेक्रेटरी से सबसे ज्यादा क्लोज है। ऐसे स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। स्फूर्ति, वो अपनी माँ का लाडला बेटा है, मेरे हिसाब से उसकी माँ से बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा। बकवास आइडिया, अरे कुछ दिमाग से सोचना यार। अरे उसकी माँ सेंटिमेंटल है, कुछ नहीं हो पाएगा। करेक्ट, उसके साथ। ए, तू बीच में मत बोल। हाँ सॉरी सॉरी, उसके साथ 24 आवर्स कौन रहता है? सेक्रेटरी, जाहिर सी बात है, ही इज वेरी क्लोज टू हिम। सो अगर तू उसे इमोशनली ब्लैकमेल करेगी तो उसे इजीली अपने कब्जे में कर सकती है। यस माँ जी, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। किस लिए और क्यों, ये मुझे पहले जानना है। मेरा सपना है कि मैं आपके घर की बहू बनूं माँ जी, तो आपकी रजामंदी जरूरी है ना? विराट की रजामंदी की जरूरत नहीं। इसीलिए तो आपकी मदद चाहिए। उन्हें क्या पसंद है? वो किस लिए? आपकी बेटी को क्या पसंद है? मैं उन्हें कैसी लगती हूँ, उनका पहनावा, रहने की जगह, उनका खाना, सब सब सब। ठीक है, थैंक यू। ऐसी चाय विराट को बहुत पसंद है। उसका स्टेटस इम्पोर्टेंट नहीं है, कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। वो सादा जीवन, उच्च विचार वाला आदमी है। काम के समय जो काम चोरी करता है, ऐसे लोगों को विराट जरा भी पसंद नहीं करता। उन्हें अपनी जिंदगी और काम से बाहर कर देता है। मैं विराट से बहुत प्यार करती हूँ, आप लोग मेरी हेल्प करो प्लीज प्लीज। लगता है ये सच में विराट से बहुत प्यार करती है। ये मेरा ही घर है ना? डांस पार्टी चल रही है क्या? अरे बाप रे, सारी चुड़ैल मेरे घर में इकट्ठा होकर ऑर्केस्ट्रा का डांस कर रही है। मुझको ना तुम ऐसे बांटो, दिल को मेरे नायों का दो। लफ़का मैं कैरम बोर्ड हूँ। क्या बात है, आज मेरा घर संडे बाजार की तरह सजा क्यों है? आज से पहले तो ये जंका खड़ा हुआ करता था, इसका सीक्रेट क्या है ये पता लगाना होगा। देख बेटा, बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल सही जोड़ी है। सही जोड़ी है? हाँ। अरे एक है, उसे ही मैं ठीक से संभाल नहीं पा रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों आई? मुझे तुम्हारे बॉस की पूरी डिटेल चाहिए। किस लिए? मैं तुम्हारी बॉस से शादी करना चाहती हूँ। हाँ। फिर हमारे बच्चे पैदा होंगे और उसके बाद। रुको रुको रुको, तुम्हें ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आती? अगर मैं शर्म करने लगूंगी तो कोई तुम जैसा मिल जाएगा, जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तेरे माँ और बाप शर्म करके अलग अलग रहते तो तू इस दुनिया में आ पाता क्या? प्रीति, तू
मुझे इनके डिटेल्स कैसे पता? इस गधे को छोड़ दू तो उस हीरो को पटाए। मुझे गधा कहो। अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं इन सब से ऐसा कहूंगी कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ए जी। क्या है जी? मान जाओ ना। क्या? मान जाओ। सुनो ना, इस बच्ची की हेल्प करो ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, करूँगा करूँगा। That's like a good boy. Super fantastic. इससे पता चलता है कि उन तीनों के प्यार को मुझसे ज्यादा तुम लोग बेहतर समझ पाए हो। मतलब? उनका सपोर्ट करो। उनका सपोर्ट करेंगे तो कंपनी का काम कौन करेगा? फिर हमारे गैरेज का क्या होगा? जो भी तुम लोग का लॉस होगा मैं भर के दूंगा, क्योंकि तुम सब मिलकर मुझे एक लाइफ पार्टनर ढूंढ के दे रहे हो ना। क्या बात है गुरु, लोग दो में ही परेशान हो जाते हैं और तुम्हारे पीछे तीन तीन पड़ी है, कैसे संभालोगे? तीन लड़कियों को देख चुका है, दो लड़कियों को पसंद कर चुका है, उसमें से एक सिलेक्ट होगी। एक मिनट, मैं मिस्टर शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए। कैसे हैं सर? सिंह के जीते जी, हमें कभी भी आराम नहीं मिलेगा। सर आसपास के गांव के लोग आ गए हैं, वो प्रोजेक्ट नहीं बनाने देंगे ऐसा कह रहे हैं, तो हम क्या करें सर? डोंट वरी, उनसे कहो मैं आ रहा हूँ उनसे बात करने। ठीक है सर। ये क्या यार, 4G जितनी स्पीड में आया उतनी ही स्पीड में उसका नेटवर्क भी कट हो गया। ये पंडित का बच्चा यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? हाय ब्रो। हाय। क्या हुआ ब्रो, चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? दो चार दिन से खाना नहीं मिला क्या? जब दुख का साया घेरे रहता है तब मुंह से निवाला कहा जाता है। क्या हुआ? मेरी प्रीति। प्रीति? अरे ये तुम्हारी प्रीति को क्या हुआ? उसे कौन टॉर्चर कर रहा है भाई? मुझे बताओ, मैं उसे रास्ता दिखा दूंगा। यहाँ कोई आवारा कुत्ता भी नहीं दिख रहा है कि उसके ऊपर छोड़ दूँ। प्रीति, प्रीति। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चल फुट यहाँ से बे। बे कहा? चल फुट यहाँ से। पता नहीं वो किसी लड़के को चाहने लगी है, लेकिन वो लड़का इसे नहीं चाहता, फिर भी ये उसके पीछे पागल बनी घूमती रहती है। एक आशिक के साथ बेवफाई, मेरी प्रीति किसी और से प्यार करने लगी। ए, कौन है वो आशिक नंबर 2? फ्रेंच है, अंग्रेज है या फिर पाकिस्तानी? इस देशद्रोह के लिए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पता है पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन उसका कलर, बॉडी, उसके कट्स, उसके सामने हम दोनों जीरो लगते हैं। वो तो हीरो दिखता है। अरे वो चैलेंजिंग स्टार दर्शन है क्या? डिट्टो दर्शन जैसा ही दिखता है। हाँ। अरे बाप रे, लड़की को पटाने के लिए उसे मुझसे कंपटीशन नहीं करना चाहिए था। एक आम आदमी बेचारा कहाँ से BMW लेकर आएगा, और लड़कियों को तो हवाई जहाज में घूमने का शौक होता है। उनका शौक पूरा करने के लिए मेरे जैसी की चड्डी भी बिक सकती है। आप भी ऐसा कभी मत करना, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। प्रसाद कंपनी मुर्दाबाद। प्रसाद कंपनी मुर्दाबाद। प्रसाद कंपनी मुर्दाबाद। प्रसाद कंपनी मुर्दाबाद। रुक जाओ, क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध के आज इस जगह को खाली करो। क्यों करो? तुम लोग पैसा कमाने के लिए ऐसी फैक्ट्री बनाने के लिए आते हो, फैक्ट्री बना भी लेते हो, और उसके बाद क्या कहते हो? हमारी फैक्ट्री से निकलने वाला पानी और धुआं तुम्हारे लिए खतरनाक है, तुम सब गाँव छोड़कर कहीं और चले जाओ। इस वजह से हमें अपनी ये सोने जैसी जमीन तुम्हें कम दाम में बेचकर हमें दूर जाना पड़ता है। हमें कोई रामायण नहीं सुनना है, भला इसी में है कि तुम आज के आज काम रोक दो। देखिए, मैं यहाँ पर कोई जहरीली फैक्ट्री नहीं बनाने जा रहा हूँ, मैं इस जगह बना रहा हूँ थर्मल पावर प्लांट। उस काम के लिए ये जगह गवर्नमेंट ने हमें अलॉट की है। हम वो सब नहीं सुनना चाहते हैं। इस काम से हमारे गाँव के किसानों को परेशानी हो रही है, इसलिए जगह खाली करो। मैं बचपन से ही किसानों की इज्जत करते आया हूँ, और उन्हें तकलीफ पहुंचाने वाला कोई भी काम नहीं करूंगा। इस पावर प्लांट से पूरे राज्य को 24 घंटे पावर मिलेगी। गांव से बाहर 11,200 एकड़ जमीन है, उसमें से सरकार ने हमें 4,860 एकड़ जमीन दी है। यहां से तुम लोगों का गांव 50 किलोमीटर दूर है, ये काफी लंबी दूरी है। इस पावर प्लांट की चिमनी 120 से 125 मीटर की ऊंचाई की है, इससे बाहर निकलने वाला धुआं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रही बात पानी की, तो हम उसे फिल्टर करके बाहर छोड़ेंगे। उस पानी के ठहराव के लिए हम तालाब बनाएंगे, वो भी अपनी ही जगह में। आज के नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं कहूँ तो आने वाले 50 सालों के बाद भी यहाँ कुछ नहीं होगा। ये सब ध्यान में रखकर ही गवर्नमेंट ने हमें अप्रूव किया है, इससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हमारी जगह पर कब्जा करने के इरादे से हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, ऐसी हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी, तो पुलिस यहाँ पर आएगी और सबसे पहले तुम लोगों को हटाएगी। मारपीट तोड़फोड़ की धमकी दी तो जेल में डाल देगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ।
एग्जाम टाइम में बच्चे पढ़ नहीं पाते, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारे गांव के हर एक जवान को मैं यहां पर नौकरी दूंगा। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं आपके साथ ऐसी एग्रीमेंट करने को तैयार हूं। अब बताइए क्या कहते हैं? हाँ, एग्रीमेंट करता है तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, इस धोखेबाज की बातों में मत आओ। ए, चुप रहो ना, जाओ यहाँ से, जाओ। सर, आप काम शुरू कीजिए, हम दूसरों की बात में आके आपके साथ गलत कर रहे थे, माफ कीजिएगा। ए, चलो जाओ यहाँ से, जाओ, चलो चलो सर, चलो 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 चलो। अविनाश बॉस, वहां से कोई जिंदा ना जाने पाए, खत्म कर दो सबको। ओके बॉस। तू गांव वालों को बेवकूफ बना सकता है लेकिन हमें नहीं। गलती कर रहा है बच्चे, जिद में मत आ। पहले प्यार से समझाता हूं, वो भी दिल से। अगर समझ गए तो बच जाओगे, और अगर समझने को तैयार नहीं हुए तो खुद की आवाज भी सुन नहीं पाओगे। ए, जानता है कौन हूं मैं? सिंह का कुत्ता। ए, कोयता? वो तो मेरा फेवरेट है बच्चे। Not reachable. अब क्या हुआ? वो हम तीनों में से किसी एक को चाहते हैं, अब वो लड़की कौन है यही तो नहीं पता। What rubbish! मेरा बेटा अलग नेचर का है। इतना ही नहीं, वो ये नहीं चाहेगा कि उसके वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो। बिना कुछ सोचे समझे तुम तीनों उसके पीछे ही पड़ जाती हो, इससे उसका काम डिस्टर्ब होता है और तुम्हारी बदनामी। पता है ये सब सोचेंगे तो हमारी शादी कैसे होगी? हर किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है। हम हिम्मत हार कर किस्मत के भरोसे कैसे छोड़े? इस तरह से नहीं हारते, आप ही ने कहा था। ऑफ कोर्स, मैंने ही कहा था। इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। प्लीज हेल्प अस। ए, इतनी जल्दबाजी भी क्या है? ओ, तो तेरा ही नाम प्रीति है? पैसे वाले हैं तो उनके लिए है, हमें चाहिए उनका दिल। अगर खाली है तो दे दे, वरना साफ साफ मना कर दे। This is too much. मेरा मतलब भी वही है, अपने बेटे को फोन करके बताओ, वरना हमारी डेड बॉडी देखनी पड़ेगी। क्या बात है माँ, तीनों आई हुई हैं क्या? हाँ बेटा, उसमें से एक तो बिल्कुल लड़के जैसी है ना? एग्जैक्टली। तूने इन सबसे क्या कहा? उस बात को लेकर ये मेरी जान खा रही है। मम्मी, साइट पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, वही गांव वालों की थोड़ी सी नानुकर, उन्हें भड़काने के पीछे सिंह का हाथ है, बेचारों को कुछ नहीं पता। हे भगवान, फिर क्या हुआ? नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज सॉल्व।
प्रोजेक्ट इज ऑन मम्मी। थैंक गॉड। खैर इन्हें क्या जवाब दूं? डोंट वरी मम्मी। ओके बाय, टेक केयर। शेर तो वहां है तो रिंग मास्टर से हमारा क्या काम। सब आ गए क्या? पता नहीं इस बुड्ढे से हमारा कब पीछा छूटेगा। क्या हुँ? बुड्ढा अपनी कनी का फल भोग रहा है। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरे बाद तेरा ख्याल कौन रखेगा राजे? सुन भगवान, मेरे कुछ जमा पूंजी रखी है और इस घर के कागजात, वो सब अब तेरे हवाले। कमला जी, पापा, पुरखों की जो जमीन उस पे जो दो घर है ना, वो अब तेरे नाम है बेटा, तू खुश रहना। मेरे ससुर कितने अच्छे हैं, लेकिन मैंने इनके बारे में क्या क्या नहीं कहा। बेटी, ओ बेटी। हाँ पापा। सुनना, दामाद जी से कहना महारानी नगर में हमारे जो दो घर है ना, वो मैंने तुम्हारे नाम कर दिए हैं। अब भगवान के लिए वो तुम्हें दहेज के लिए परेशान ना करे। सुन बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, सब बहनों को ही दे दो। तेरे हिस्से का तू रख ले। पापा मैं कमा के बना, जो मिलता है चुपचाप ले लो। बाबूजी, आपका इतना अच्छा दिल है, ये जाने बिना मैंने क्या क्या नहीं कहा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मेरे दिल में कुछ नहीं है बेटा, जाने दे, छोड़ दे बेटा। हमारे घर के पीछे वाला चौथी गली में जो बंगला है ना, वो तू ले ले। तू लालची खानदान से आई है, तेरे घर वालों के लिए ठीक है। बाबूजी, आप खुद को संभालिए, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ। भगवान करे मेरे ससुर। रुक 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 रुक, आज तू क्यों इतना खुश नजर आ रही है? जानती है उन्होंने क्या दिया? घर दिया? अरे बेवकूफ। नहीं, चौथी गली के कोने में वो सुबह से लेकर शाम तक इस्त्री करते थे और खाली समय में वहाँ पे आराम करते थे। तेरे दिमाग में कुछ घुसा की नहीं, या फिर दोबारा समझाने की जरूरत है? हाय। हाय। हेलो। देखो, तुम लोगों का प्यार स्वीकार करने के लिए या मेरे प्यार का इजहार करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, सो प्लीज गो बैक। नो चांस, हम लोग यहीं रहेंगे और अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, रिजल्ट लेने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। डोंट वरी, हम आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि सपोर्ट करेंगे। करेक्ट। आपके वर्क स्पॉट्स में, आपके घर में, इन ड्रेसिंग्स, इन डेली नीड्स और प्रोजेक्ट वर्क में, प्रोग्राम वर्क में मैं आपके साथ रहूंगी। किचन और डाइनिंग में मैं रहूंगी। आपका मनपसंद खाना बनाकर आपको खिलाना, आपकी सेहत का ध्यान रखना, इन सारी बातों का ख्याल रखूंगी। तुम्हारा कौन सा एरिया है? मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हारे दिल को संभालने। उन्होंने जो एरिया ना कहकर ठुकरा दिया है वो मेरा है। ठीक है, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। ये नया कैरेक्टर कौन है? मेरा रिश्तेदार है। तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए आया है? नहीं, मुझे कौन दाना डाल रहा है ये देखने के लिए आया है। मतलब? मेरा पहरेदार बनके। रहने दो ना, मेरी तरफ से गेस्ट हाउस की रखवाली करेगा। चार बोतल के बाद भी नहीं चढ़ी, नकली है क्या?
कोई बात नहीं, मैं पहन लूंगा। कपड़े पहनाने के बहाने छू रही है, उसमें गलत क्या है? उसका एरिया है, जो मर्जी चाहे वो करे, जैसा चाहेगी वैसे यूज करेगी। रहने दो, तुम्हें कौन समझाएगा, तुम तो लड़की ही नहीं हो। कंफर्म करना है हा? छी, खुद को लवा कहती हो? मालिक, मेरे एरिया में तो कोई पूजा दक्षिणा ही नहीं, प्रसाद का तो नामो निशान नहीं है, सिर्फ प्रदक्षिणा। हेलो, ये मेरा एरिया है, आउट आउट। तू क्यों जल रही है? उसकी बैटिंग है, ऑडियंस की तरह मैं चुपचाप नहीं बैठी हूँ क्या? तू भी बैठना। तेरे होने वाले पति को किसी और के साथ देखकर तुझे दुख नहीं हो रहा? तेरी बारी आई थी तब ये बात सोची थी। तू क्या जाने लव फीलिंग्स के बारे में? प्रीति, हम दोनों का हाल एक जैसा ही है, इस तरह एरिया में बटे रहने से अच्छा है कि हम दोनों साथ में आ जाए, बड़ा अच्छा रहेगा ना? हाँ, उसके बाद तुम मंत्र पढ़ते बैठना और मैं तुम्हारी बगल में बैठकर घंटी बजाऊंगी। क्या? अरे बाप रे, बॉस का फोन। हेलो, क्या कर रहे हो? मैं नहीं आऊंगा सोचकर आराम कर रहे हो? सर सर, नहीं नहीं सर, फोन उठाने में जरा देर हो गई, पता नहीं किसका फोन होगा इसलिए। ऐसा क्या हुआ? मेले का वो सीन याद आ गया क्या? हाँ सर। सुनो, अगर मेरी आवाज से इतना डरते हो तो गड़बड़ करते क्यों हो? ठीक से रहो ना, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आए? जी मैं अभी आ रहा हूँ सर, वहाँ पहुँच कर फोन करता हूँ सर। उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है सर। कहाँ चली गई होगी, कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे लगता है हमारा प्यार देखकर वो समझ गई होगी कि उसका कुछ नहीं होगा, इसीलिए भाग गई होगी। घर के अंदर तू, घर के बाहर मैं। हेलो, डर कर भागने वाला कैरेक्टर मेरा नहीं है। बाथरूम और बेडरूम मेरा एरिया है। रोमांस चलता है बाथरूम में और माँ बाप बनते हैं बेडरूम में। आहा, तू आदमी है कि मामू है? मेरी बात छोड़ो, जब बंटवारा किया था तो ये एरिया छोड़ दिया था, पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। समझ में नहीं आता इसका क्या करें। पूजा हो जाने दो, प्रसाद तुम्हें मिल जाएगा। बाप रे, क्या थ्रिल था, सुपर्ब एक्सपीरियंस। आज के सुख का फल पूरे 9 महीने बाद मिलेगा। मंगलसूत्र बांधने के इरादे से आया था, लगता है बच्चे का नामकरण करना पड़ेगा। सिंह इज किंग, ये कहावत आज गलत साबित हुई। सिंह एंड कंपनीज की सारी संस्थाएं लॉस होने की वजह से और तो और बैंक से लिया हुआ कर्जा वक्त पर ना चुकाने की वजह से मुश्किल में आ गई हैं, क्योंकि उन्होंने
फ्रॉड करके गलत तरीके से पैसा कमाने का सोचा था। मुझसे आगे कोई नहीं, यही उनकी गलत सोच उनके नुकसान की वजह बनी। इसीलिए सिंह की सारी संस्थाएं अब बंद होने के कगार पर खड़ी हैं और बैंक्स अपने पैसे वसूल करने के लिए उनके प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर रही हैं। इसीलिए सिंह एंड कंपनीज को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता उससे मिलकर कोई फायदा होने वाला है। प्लीज मैडम। ठीक है, बुला लो उसे। सॉरी मैडम। नाटक मत करो, मुद्दे पर आओ। अब ठीक है मैडम, मुझसे गलती हुई है जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरे पास जो पूंजी बची है उसे मैं आपके पावर प्रोजेक्ट में लगाना चाहता हूँ। अब मुझे सिर्फ नाम चाहिए, प्रॉफिट में 2% मिल गया तो भी काफी है, बस इज्जत बच जाए। इस विषय में विराट से खुद बात कर लो। जी, वो विराट मुझसे नफरत करता है मैडम। उसका जिम्मेदार कौन है? अब जब कोई इंसान कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करता है और कोई उसे खराब करना चाहे तो उसे नफरत ही मिलती है। मानता हूँ मैडम, लेकिन आप उससे बात कर लेती तो आप कहें तो मैं उसके पैर पकड़ने तक को तैयार हूँ। हमेशा पैरों में गिरना चाहते हो, ये तुम्हारी खानदानी बीमारी है क्या? अब क्या करें मैडम, अगर जीत नहीं सकते तो शरण में जाकर बचने का कोई उपाय तो ढूंढना पड़ता है ना मैडम। जब देखो मैडम, मैडम ठीक है मैं बात करूंगी, पर सीएम की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह। और अगर विराट नहीं माना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू मैडम। क्या बात है, तीनों देवियां आज एक ही जगह पर? नारद की ही कमी थी। मैं भी जुड़ जाऊं क्या आपके खेल में? अब सर, तुम तीनों में कोई कमी नहीं है। तुम लोगों का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं तुम तीनों के लिए गिफ्ट लाया हूँ। जस्ट अ मिनट। इसके अंदर जो गिफ्ट है वो हमारे और तुम्हारे बीच के रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, इसलिए मैं नहीं दूंगा, तुम लोग ही सिलेक्ट करो। और बनने वाले रिश्ते को तुम लोगों को रिस्पेक्ट करना होगा, ओके? मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। ऐसा कोई चॉइस ही नहीं है, अगर तुमने गिफ्ट नहीं लिया तो यू आर ऑल आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट। और एक बात, मेरे प्यार का इजहार करने तक तुम लोग इस गिफ्ट को नहीं खोलोगे। अगर तुमने इसे खोल दिया तो तुम सिर्फ अपने आप को नहीं मुझे भी धोखा दोगे। इसका मतलब तब तक हम टेंशन में रहे? ऑफ कोर्स, इंतजार करना टेंशन है लेकिन उसकी हिफाजत करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉस ने तीनों को कंफ्यूज कर दिया है, देखो बाजी कौन मारता है। अरे प्रीति, अगर इसमें राखी निकली तो क्या करोगी बताओ? तुम्हें बांध दूंगी। बोलो मम्मी। विराट, तुमने खाना खाया? खा लिया मम्मी। खाना स्फूर्ति ने बनाया था ना, तुम्हें अच्छा लगा बेटा? तुमने ट्रेनिंग दी थी ना माँ, ठीक है। खैर, वहाँ तीनों आई है ना, क्या कह रही थी? क्या कहेंगी, बेकार में टेंशन, इसलिए मैं आज उन्हें टेंशन देकर आराम से हूँ। ओह, ऐसा क्या कर दिया तूने? घर आऊँगा तब बताऊँगा। ठीक है बेटा, मैंने तुझे इसलिए फोन किया कि सीएम तुझसे मिलना चाहती हैं। वो कब आ रही हैं? शायद 18th को आ रही हैं। ठीक है मम्मी, बाय, गुड नाइट। ओके, टेक केयर। सर आप लोग कौन है? आउट। सर मैं ड्राइवर। आउट। यस सर, लाइन क्लियर। आप कौन है सर? मैडम प्लीज, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? सर सीएम आ रही हैं, तो यहाँ सिक्योरिटी चेक होना जरूरी था। ये सब कह रहे हैं कि ये आपके लोग हैं, अगर ये बात सच है तो सर इट्स ओके, अगर ये सच नहीं है तो उनके आने तक जरा सर। ये सब मेरे अपने ही लोग हैं। बट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग विराट, ये सब कौन है? सब सर्वेंट्स हैं। शी इज कुक, ये घर के काम वाले, ये बेडरूम बाथरूम क्लीन करने वाले। लेकिन दिखने में तो पढ़ी लिखी लगती हैं। ऑफ कोर्स मैडम, बट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई लाइक देम। दैट्स ग्रेट, गुड।
और भी कोई तुम जैसे हो तो बताना, हमारे गवर्नमेंट बंगले में हाउस कीपर की जरूरत है। बुढ़िया सठिया गई है। प्लीज मैम, प्रोजेक्ट का काम कैसा चल रहा है? चलिए सब प्लीज बाहर चलिए, प्रोजेक्ट और प्लीज बाहर चलिए, चल रहा है, नो प्रॉब्लम। विराट, मिस्टर सिंह आए थे, वो तुम्हें ज्वाइन करना चाहते हैं। नहीं मैडम, चाहिए तो पूरा प्रोजेक्ट उन्हें दे दीजिए। नो नो नो, ऐसा फैसला मत करो, वो मेरे पास आए थे और माफी मांग रहे थे। लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकते मैडम। जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में न जाने हम क्या क्या करते हैं, अच्छे बुरे पता नहीं कैसे कैसे रास्ते अपनाते हैं और आगे ही बढ़ते जाते हैं। उस दिन ये पावर प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेने के लिए झूठ बोलकर उन्होंने 100 करोड़ दिए और पता नहीं क्यों मैं भी उनकी बातों को सच मान बैठी और वो पैसा मैंने अनाथाश्रम में दे दिया। कैबिनेट ने जैसे ही ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिया, वो मेरे पास आए और मुझसे झगड़ा करने लगे, तब उनकी सच्चाई सामने आई। लेकिन उनका दिया हुआ पैसा समाज के कई लोगों के काम आया। उन्होंने कहा कि मैं बदल चुका हूँ, तो अब ऐसे में उन्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए। ठीक है मैडम, जैसे आपकी मर्जी। थैंक्स। शाम को मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, सो आई हैव टू गो बैक। मैं खास यहाँ प्रोजेक्ट का काम कैसे चल रहा है वही देखने के लिए आई थी। ओके मैडम, तो वहाँ चलकर देखते हैं। मिस्टर विराट, मैं सिंह से बात करके मीटिंग फिक्स करती हूँ। ओके मैडम। रुक जाओ। मैं कुक हूँ, मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ, तुम लोगों को छोड़ो। और मैं ये सब तुम अपनी मर्जी से कर रही हो ना? मजाक बहुत हो गया, बी सीरियस। अब ये बताओ हम तीनों में से तुम्हें कौन पसंद है? पसंद नहीं, प्यार। हाँ वही, जिस दिन उसने मुझे प्रपोज किया उसी दिन मैं कह देता, लेकिन उस दिन मैं थोड़ा टेंशन में था, कह देता तो पता नहीं अब तक क्या उथल पुथल हो जाती। बट टुडे आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरा फैसला ऑलरेडी तुम लोगों के पास पहुंच चुका है। जाओ जाकर मेरा दिया हुआ गिफ्ट लेकर आओ। ओपन करो। अब ये क्या है? मदर सिंबल। और मेरा फ्रेंडशिप बैंड। पर मुझे तो ये लाल कलर दिया है, कम से कम चंदन ही दे देते तो माथे पर लगाकर कीर्तन भजन तो करती रहती। कस्तूरी की कीमत बंदरिया क्या जाने। मैं भी नहीं समझी। स्फूर्ति, लाइफ में इज्जत आदर और प्यार ऐसे कई चेहरे होते हैं, और तुम्हारी मैं करता हूँ इज्जत। मेरी माँ का और तुम्हारा जन्मदिन एक ही दिन है, तुमने कुकिंग की, सब कुछ संभाला, इसलिए मैं तुम्हें माँ की तरह इज्जत देता हूँ। लेकिन मैंने जो कुछ किया वो प्यार के लिए। माँ तो हमेशा प्यार ही लुटाती है, लेकिन बच्चे करते हैं इज्जत। नो। यस पूर्ति, क्या मैंने कभी तुम्हें आई लव यू कहा था? बट आई लाइक यू तो कहा था ना। ऑफ कोर्स, वो तुम्हारे नेचर को देखकर कहा था। एंड वन मोर थिंग, तुमने एक बच्ची को गोद लिया था, उस वक्त तुमने क्या कहा था? क्या कहा था? कान में नाम बोलो। मैं इस बच्ची को तुमने गोद लिया है तो इसकी माँ तुम हुई, तो अब कहो ऐश्वर्या ऐश्वर्या ऐश्वर्या। सर चलकर आशीर्वाद दे दीजिए। मैं? जी हाँ सर, सभी बड़े लोगों ने आशीर्वाद दे दिया ना। इस बच्ची के लिए आप एक बड़े भाई बनकर आशीर्वाद दे सकते हैं ना? तब उस बच्ची की तुम माँ बनी और मैं भाई बना,
तो हम दोनों के बीच क्या संबंध हुआ? माँ बेटी का। करेक्ट। बेटा, एक बेटा माँ की इज्जत करता है, उसकी पूजा करता है, और कुछ नहीं। कीर्ति, तुम एक ऐसी दोस्त हो जिस पर मुझे फक्र है। पर क्यों, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? मेरा प्यार, तुमने प्यार किया होगा, बट नॉट फ्रॉम माई साइड। एज ए लाइफ पार्टनर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन पसंद आने वाले से ही प्यार नहीं होता, प्यार किसी एक से ही होता है। तुम जब फर्स्ट टाइम मुझसे मिली थी क्या कहा था? किसी भी कंपनी को सक्सेसफुली ग्रो होने के लिए उसमें एटलीस्ट किसी एक को सच्चे दिल से डेडिकेशन देना पड़ता है, वैसा डेडिकेशन मेरे पास है। आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल कंपनी सर। सो यू आर पार्ट ऑफ माई कंपनी, यू आर पार्ट ऑफ माई सक्सेस, बट नॉट फॉर माई लाइफ। टेक केयर। अब रही ये बेचारी, अच्छे बुरे की कुछ भी पहचान नहीं है, और मेरे पीछे यहां तक चली आई। इसके तेवर लड़के जैसे हैं, पर मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया। तुम दोनों ने अपने हिस्से में किचन और साइड का हिस्सा बांट लिया, ये तो सीधा बेडरूम में ही घुस आई। इतना ही नहीं, आकर पूरा हक जताने का साहस भी किया। औरत की लाज ही उसका गहना है, और उस गहने की परवाह किए बिना वो सब वो मुझे सौंप चुकी है, ऐसा तुम्हारे सामने नाटक किया। और एक बात, किसी मर्द को अगर पूरी तरह से कोई पहचानता है तो वो या तो उसकी बीवी या तो उसकी मां, लेकिन प्रीति ने। इसने मुझे एक पति के रूप में देखा, इसलिए मेरे दिल में भी यही है। स्फूर्ति, तुम्हारा लक्ष्य है समाज सेवा, औरों का दुख बांटना। सो तुम्हें एक ऑप्शन है, तुम मेरे बिना भी खुश रह सकती हो, है कि नहीं? और रही कीर्ति, जो मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी दौलत से प्यार करती है, सो तुम्हें चाहिए ऐशो आराम, am I right? लेकिन ये मैं कौन हूं क्या हूं ये जाने बिना ही मुझसे प्यार कर बैठी। मैं दौलतमंद हूं, गरीब हूं, कुछ भी नहीं पूछा, ये सब इसे बताया मेरे दोस्तों ने, तब भी इसकी एक ही ख्वाहिश थी, मेरा प्यार। मैं तुम तीनों के लाइफ का पार्ट हूं, उसी तरह तुम तीनों मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, मैं किसी को खोना नहीं चाहता। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मम्मी से तो बात कर लूं। अभी उन्हें मना कराती हूं। हर काम में जल्दबाजी। हेलो, मैं कब से देख रहा हूं तुम पेग पर पेग उतारे जा रहे हो, आखिर बात क्या है, कर्जा हो गया क्या? अरे बोलो ना। मैं किसी से कर्ज क्यों लूं, छोड़ना। बिजनेस में लॉस हो गया। अगर बिजनेस में मुझे लॉस होता तो स्मगलिंग शुरू कर देता। स्मगलिंग? ठीक है, कोई फैमिली प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मेरी कोई फैमिली नहीं है, कुंवारा हूँ मैं। पेशाब में तकलीफ? गांव डुबा दूंगा। मोशन कैसा होता है? चार बार आराम से। खैर, किडनी? सब कुछ ओके है। मुझे प्रेम रोग लग गया है, प्रेम रोग बात करता है। पैग लगाने आए हो क्या? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है कि ऐसी जरूरत पड़ी, बताओ। हसीना का धमाल। हसीना का धमाल? हसीना का मतलब मेरी घरवाली का प्रॉब्लम। तुम्हारी घरवाली भाग गई। तुम्हें छोड़कर भाग गई। तुम्हें ठेंगा दिखा गई, वो किसी और के साथ भाग गई। तू भी मेरी तरह लूट गया दोस्त। चुप रे बे, ना मेरी घरवाली भागी है ना कोई और प्रॉब्लम है, वो तो बस इसलिए कि मुझे खुद सामान घर ले जाना पड़ता है। ऐसा क्या? डोंट फील बैड ब्रदर, दोनों की सेम प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम छोटी पैक के बराबर है और तुम्हारी पोर्टल के बराबर है। गुरु, इस पानी की बोतल को जरा और स्ट्रॉन्ग बना दे यार। चीयर्स। देखिए, पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, अब तुम दोनों मिलकर इस राज्य का सुधार करो, यही मेरा सपना है। मकसद अगर अच्छा हो
तो मैं किसी के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार हूँ। अब क्या है मिस्टर सिंह, आपकी कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम की शुरुआत तो मैडम आप ही से हुई थी। पुरानी बातों को मत दोहराइए। पुरानी बातों को अगर भूल गया तो फिर वसूली कैसे करूंगा? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इन्वेस्ट के साथ साथ इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए। दिस इज टू मच। मैंने तो पहले ही कहा था मैडम, सांप को चाहे जितना दूध पिलाओ वो तो जहर ही उगलेगा। ऑफ कोर्स, जो भी मेरे रास्ते में आया है मैंने उसे कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। जड़ से उखाड़ फेंकना मेरी आदत है। इस महान कार्य को महान तरीके से निपटाने वाली महान मुख्यमंत्री आप हैं। इसको बलिवेदी तक पहुंचाने वाली आप हैं। लेकिन हार पहनकर जो बलि पहले चढ़ेगा वो होंगी आप। इल्जाम इसके सिर लगेगा लेकिन तुम्हें खत्म करूंगा मैं, और ये विराट जेल में चक्की पीसेगा। सो आई एम सेफ, हैप्पी जर्नी, गुड बाय। Thank you.
भी कैसा है। हेलो, वो तुम्हारा पति तभी बनेगा जब तुम सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लोगी। सच में तुम्हें बहुत जल्दी है। सर, मीटिंग का टाइम हो गया है। चलता हूँ माँ।